गाइस क्या हाल चाल, आप सभी के स्वागत है आप सभी का पैल वर्ल्ड के एक और मजेदार से एपिसोड के अंदर। और आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लोग आज करने वाले हैं एक बॉस फाइट। एक बॉस को आज अपन ने कब्जे में हम लोग लेने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया, ये रहा पेंकिंग है जो कि 15 लेवल का, और हमारे से तो ये काफी पावरफुल है। तो पंगा लेने के लिए चलते हैं। पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने वैसे यार किंग ऑफ द फॉरेस्ट के साथ, वो जो सामने घूम रहा है मेमोरेस्ट, इसके साथ पंगा लिया था, अच्छी खासी कुटाई करी थी, उड़ा दिया था हमने इसको हवा में। मगर भाई जो आया सामने है भाई, ये इतना पावरफुल है हमारे सामने, तो भाई तो पता ही आपको हमारा क्या हाल किया होगा इसने। बहुत भाई हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों से डील करना होता। चलो खैर कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग किसी ना किसी दिन तो पकड़ ही लेंगे। बट ये यहाँ पर पानी की बौछार कौन कर रहा भाई, क्या हो गया, आग क्यों बुझा रहा है, आग नहीं लगी भाई। इसको उठा के थोड़ा साइड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बावरा हो गया, इसको ना उधर खेतीवाड़ी वाले जगह पे रख के आते हैं। ये क्या कर क्या रहा है यहाँ पे, इधर डाल पानी, जो करना इधर कर। ओके नो वर्क अवेलेबल, ओके कुछ काम अवेलेबल नहीं। यहाँ पर कुछ तीर बनाने के लिए मैंने रखे हुए थे, तो ये तीर उठाते हैं और चलते हैं सीधा हम लोग हमला करने के लिए और उस पैंकिंग को पकड़ने के लिए। वैसे चलो रात हो जाएगी तो हो जाने दो, सीधा पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है ये वाले टावर पे पहुंच गए सीधा सीधा, नहीं इधर से कैसे जाएंगे भाई, वहां पर पानी है बीच में, बट देख लेंगे हम लोग, रास्ता ढूंढ लेंगे। वैसे अपने को ये वाले बॉस के साथ भी लड़ना है यार, उसके पहले इसके साथ बाद में लड़ेंगे, आज दोनों के दोनों बॉस को ट्राई करते हैं हम लोग हराने का। पहले तो पेंकिंग के साथ ही लड़ाई करते हैं यार, आते ही अंधेरा सा हो गया है। मैं ना पहले इधर एक मार्क सेट कर लेता हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि बॉस इस तरफ है, अदरवाइज मुझे ना यहाँ पर पता नहीं चलता कि मुझे जाना किधर है। ओके इस तरफ से रास्ता दिखा रहा है, ये रायन सिंडिकेट टावर वाली जगह आ चुकी है और मेरे को मेरे हथियार सेट करने पड़ेंगे। जरा ए फायर बोल लगा लेते हैं, इसकी तो भी जरूरत है नहीं, आग वाली की भी अपने को जरूरत पड़ जाएगी। फायर बो और ये ठीक है मैंने सेट कर लिया है, इसमें मैं पॉइजन एरो कैसे सेट करूंगा। ये फायर बो है, ये थ्री एरो शॉट है, पॉइजन वाला की तरह है। मैं बो नहीं लाया क्या पॉइजन वाला, ओके आई थिंक मैंने पॉइजन वो बनाया नहीं क्या पॉइजन बो यार, शायद कहीं से तो चेंज कर सकते हैं हम उसको, एक सेकंड रुको। ये फायर बो है, मेरे को लग रहा है भाई उसके लिए अलग ही चाहिए। और यहाँ पर तो लड़ाई वड़ाई चल रही है भाई, ओ 35 लेवल का मेमोरिस्ट है भाई, इनकी लड़ाई चल रही है, फायदा उठा सकते हैं। वैसे इतना डैमेज, उतना कम डैमेज है नहीं इसका, ये मार देगा भाई इनको। अच्छा कोई और जब इनको मारता है तो हम सामान नहीं उठा सकते क्या, नहीं उठा सकते भाई। ये देख तो लो अपने से कितने बड़े साइज वाले हाथी के साथ पंगा ले रहा है ये, मेरे को डैमेज नहीं पड़ेगा ना, वैसे नहीं पड़ना चाहिए वैसे मेरे को तो डैमेज। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, मैं खाना भी कम ही लाया हूँ मेरे ख्याल से, 18 ही बेरीज है मेरे पास भाई। उधर जाने से पहले मेरे को यहाँ पर एक चिलेट नजर आ रहा है जो कि 11 लेवल का, मेरे को लग रहा है अपने को ना पहले इसके साथ लड़ाई करनी चाहिए, इसको पहले अपने कब्जे में कर लेते हैं। कहाँ पर है, इधर ही है ना, हाँ इधर ही है सामने की तरफ, ये ज्यादा दूर है नहीं। और ये मेरे को एक वाटर टाइप पोकेमोन लग रहा है, पहले इसको पकड़ते हैं फिर हम लोग इसको लेकर जाएंगे साथ में पैंकिंग को मारने के लिए। क्या नाम था उस वाले बंदे का, नाम भूल जाता, पैंकिंग ही नाम है, सही नाम बोला मैंने, मुझे लगा मैंने नाम गलत ले दिया। और यहाँ पर और पैल्सफियर पड़े हुए हैं भाई, भाई एरिया तो यही दिखा रहा है मगर वो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पर। ये देखो मैप के हिसाब से तो मैं पहुंच चुका हूँ उसके पास बिल्कुल, बट यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ चला गया, इधर उधर भाग गया क्या। ओके मे बी नीचे होगा यार, अंधेरा भी होना शुरू हो गया भाई। ओ बुरा 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 बुरा, ओके ब्रिज के ऊपर से जा रहा है, अरे साइड हट जा भाई, तू मेरे सामने ही आते जा रहा है बुरा। ये थोड़ा सा देखने में तो खतरनाक लग रहा है, सांप की तरह दिख रहा भाई अपने पास। एक मिनट, ये लेवल 11 का, किसको मार रहा है भाई। हम लोग वैसे ब्रिज क्रॉस करके चले क्या, अगर हम नहीं नहीं एक काम करते हैं, मैं सीधा अपना पोकेमॉन, सबसे पावरफुल पोकेमॉन कौन सा है अपना, वाटर टाइप वाले के साथ वैसे फायर वाला ज्यादा अच्छे से लड़ता। हम लोग एक काम करते हैं इसके साथ लड़ते हैं, अपना टॉम्बेट है ना, जो टॉम्बेट अच्छा डैमेज दे सकता है इसको, बट मैं ना ये चाहता हूँ मैं इधर से पीछे की तरफ गिर भी ना जाऊँ, टॉम्बेट के साथ लड़ाई करवाएंगे। अभी अटैक किस तरह से करता है, इसका अटैकिंग पावर क्या है वो भी मेरे को पता नहीं है। यहाँ पर पत्थर वगैरह काफ़ी हैं, हम लोग इनमें कवर ले सकते हैं। आसपास कोई दूसरा बड़ा वाला पोकेमॉन नहीं होना चाहिए बस। चलो यहाँ पर है जगह, चल बेटा। ओहो मैंने काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया उसको पहली बार में, मार भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, चलो आग लगा दी हमने, अरे माँ कसम भाई। चल बेटा वो तो ठीक है, अपना मार क्यों नहीं रहा उसको, मार। अच्छा वो मैंने, अरे माँ कसम भाई मेरी शील्ड उड़ा दी उसने, इसको पकड़ना है, एक चीज का ध्यान रहे। चल बेटा कॉम्बेट को काफी डैमेज दे दिया इसने, है तो ये बॉस फाइट ही है असल में। आग वाग लगा दी मैंने, काफी डैमेज दे रहा हूँ उसको, अरे नहीं मैं फंस गया क्या इसके अंदर। ओके ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई भाई मैं कवर बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ। चल तेरी भैंस की,
भाई अपना पोकेमोन अभी, अरे बाप रे भाई काफी अच्छा डैमेज दिया इसने मेरे को, मेरी शील्ड उड़ा दी इसने, बस ये मारना है इसको, वापस उड़ा लेते हैं अभी, अभी मैं ही लड़ता हूँ। चल बेटा ओके ओके, ओ मां कसम भाई अभी पकड़ लेते हैं इसको, 13% है बट आ जाएगा मेरे ख्याल से। अरे 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 भाई 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 क्या ही मार रहा है, आ जाएगा शायद, आ जाएगा, हो गया, लेट्स गो। बहुत इजीली हमने पहला पोकेमोन अपना पकड़ लिया, बॉस फाइट है हमारा, पहला बॉस हमने पकड़ लिया गाइस। तो मेरे ख्याल से ना अभी अपने को फटाफट से घर की तरफ चले जाना चाहिए और फिर हम लोग इस वाले बॉस को साथ में लेकर आते, क्योंकि बॉस की फाइट में जब दूसरा बॉस हमारे साथ आता है ना तो बहुत पावरफुल चीज रहती है वो। इस तरफ मेरे को एक ये नजर आ रहा है, ये वाला टावर लेकर आ जाएंगे मेरे को, एक मिनट, लकड़ी है हमारे हाथ में, लकड़ी कह रहा हूँ, ये हमारे पास बिजली वाला है, ए यार टॉर्च, टॉर्च है हमारे पास, तो अपने को ना इधर एक ये टावर अनलॉक कर लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट पहुँच जाया करेंगे। ओके बिल्कुल नीचे आके चलाएंगे, स्टेमिना कम हो जाता है, नहीं तो छोड़ दे भाई, ठीक है। और आ गए अपन नीचे, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से आगे। चलो यहाँ पर ब्रिज है, मेरे को लगा था शायद पानी में से होकर जाना पड़ सकता है, बट हम लोग एक नया टावर खोल लेते हैं जिससे कि हम लोग आसानी से इधर उधर आ सकते हैं। चल भाई ये यहाँ पर घूम रहे हैं भाई, इनसे भी मेरे को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, और ये टावर ऊपर है ना, यहाँ से चढ़ के चला जाता हूँ मैं, कौन इतना घूम के उधर से सीढ़ियों से आएगा भाई। चलो भाई ये टावर हमने अनलॉक कर लिया, अब यहीं से मैं डायरेक्ट ट्रेवल करके घर जाता हूँ एक बार इधर बेस पे, और बेस से हम लोग नए वाले पैल को लेकर आते हैं अपने साथ। ये रहा बॉस फाइट है जिसका डैमेज भाई 185 है, अपने पास सबसे कम डैमेज वाला कौन सा है, ओके ये यार 147 का ही डैमेज आ रहा है इसका, ठीक है विक्सी को रखते हैं और इसकी जगह इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं फिर बॉस के साथ, क्योंकि बॉस का डैमेज बहुत ज़्यादा है भाई। चलो और बॉस हमारा 11 लेवल का है, मेरे ख्याल से अभी हमने अपने को ना फटाफट से सो जाना चाहिए और फिर उठने के बाद हम लोग चलते हैं सीधा पेंकी के साथ फाइट करने। चलो बैरेज इधर रख दिए, अब मेरे पास वैसे एरोज वगैरह बना रखे हैं उन्होंने आग के लिए भाई, बहुत बढ़िया फायर एरो बने हुए हैं, और मेरे पास 13 ये है, 3 बहुत है, इतनी बहुत काफ़ी है, इतने में अपन पकड़ लेंगे उसको। चलते हैं भाई फटाफट से सीधा बॉस फाइट में बिना टाइम वेस्ट किए, अरे भाई कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ट्रैवल फास्ट, और हम लोग पहुँच जाते हैं सीधा, यहाँ पहुँच जाते तो मज़ा आ जाता। वैसे ये वाला मेरे ख्याल से लग रहा है बहुत सही रास्ता है, ये कौन सा नज़दीक पड़ेगा, ये वाला ही सही पड़ेगा, इधर से चलते हैं। What? मैं इधर आया और इधर रेड हो गई हमारे उस पर, आप ही जा सकता हूँ क्या फटाफट, किसी की तो रेड हुई है, ये थोड़ा सा गलत समय हो गया था मेरा जाने का। चलो कहाँ से आ रहे हैं ये लोग और कौन हमला कर रहा है, हर्ड ऑफ मैन ईटिंग ये हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर, आ जाओ तुम्हारी भैंस की टेंट, मेरे को पॉइजन बो बनाना था एक, मैं तब तक पॉइजन बो बनाना लगा दूँ क्या, क्या पता पैंकिंग के ऊपर वो पॉइजन बो हमारा हमला अच्छे से करे। मारो 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 अपन एक बार ना, तब तक अपना इसको छोड़ते हैं, ये इनको बताएगा। अरे यार चल बेटा चल निकल यहाँ से, खत्म भाई। वुल्फ आए थे यार, वो पकड़ लेना चाहिए था उसको, उसको हम लोग ना राइड करके जा सकते हैं, ये वाला वुल्फ मेरा पकड़ने का मन था। ओके इस तरफ आते ही गाइस थोड़ी सी ना वाइब चेंज हो चुकी है, अलग सी मिट्टी हो गई है धरती की, लाल रंग की मिट्टी है, और यहीं पर आसपास कहीं होना चाहिए पैंकिंग। ओके वैसे यार डर सा तो लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बॉस फाइट ये वाला थोड़ा खतरनाक बॉस लग रहा है मुझे हमसे, क्योंकि ज़्यादा लेवल का है ना, बट ठीक है यार कर लेंगे हम लोग कवर काबू में, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक बॉस है हमारे पास भी। ऑल राइट गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं भाई, तो यही है वो जगह जहाँ पर हमारी फाइट होने वाली है, फ्रोजन विंग का जो रेल्म है वहाँ पर जो इसका बॉस है जिसका नाम है पैंकिंग। मेरे ख्याल से ना सबसे पहले मुझे खाना खा लेना चाहिए, अपने को भी खिलाना चाहिए और अपने सारे पैल्स को भी खिला दिया मैंने। चलो भाई चलते हैं, एक बार सारे बंदे गुड लक बोल दो मुझे भाई, पैंकिंग के साथ फाइट हमारी शुरू होने जा रही है, और कुछ तो वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पर, लेवल 15 का पैंकिंग है भाई, देखा जाएगा जो होगा, लेट्स गो। कहाँ पर भाई अभी तो है ही नहीं यहाँ पे, अरे काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं। चल बेटा अरे 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 भाई 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 मुझे कौन जमा दिया भाई। ओके पहले इनको मारना पड़ेगा नहीं तो ये लोग मेरे को जमा देंगे भाई।
शिट 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 भाई ये लोग बहुत डैमेज दे रहे हैं मेरे को। अरे यार ओके अरे नहीं क्या आ रहा है भाई ये मर जाए ना एक बार साले। चल भाई ओके तेरी भैंस की साले। चल बेटा ओ भाई 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 चल बेटा। अरे अपना वो बहुत लो हो गया मेरे ख्याल से। चल बेटा ये मरने का नाम नहीं दे रहा भाई। अरे नहीं भाई मेरी शील्ड उड़ा दी इसने। चल बेटा मैं इनको संभाल रहा हूँ वो बड़े वाले को मार रहा है। ओ भाई 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 ये क्या ही हमला करता है भाई। अपना कॉम्बैट बहुत लो हो गया भाई। ओ भाई मर गया ये। अब तेरी बारी साले। मार 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 एक काम करता हूँ मैं नाइट में इसको बुलाता हूँ चिले। चल भाई मैं इसको तो बुलाना ही भूल गया इसको मैं लेकर तो आया था इसीलिए। चल मार 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 मार। अरे भाई ये मेरे पीछे पड़ा है। चल बेटा ओ भाई ओ भाई। चल बेटा मार 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 बहुत बढ़िया बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है। गजब 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 गजब। अरे नहीं अबे ओके वैसे चिले की पावर बहुत पावरफुल है अच्छे से मार रहा है वो इसको। ओके एक काम करते हैं अभी ना नाइट विंग को बुलाते हैं। ओ भाई बच गया मैं सही टाइम पे डॉच कर दिया। अरे नाइट विंग को बुलाना था। ओ भाई ये क्या ही मारता आके तेरी भैंस की। अभी ना मैं काम करता हूँ एरो चेंज करते हैं अपन ये वाला देखते हैं कितना डैमेज देगा इसको। ये तो खास डैमेज नहीं दे रहा 11 का ही दे रहा है। ओके 11 12 का डैमेज ही दे रहा है सिर्फ चिले को ये कर दिया इसने। ओके ओ भाई उड़ा दिया इसने काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है। चल एक काम करते हैं अभी इसको बुलाते हैं। और नहीं भाई ओके चल 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 मार 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 अभी देखते हैं विक्सी इसको क्या मारती है। थ्री शॉट बो से उतना डैमेज तो नहीं पड़ रहा इसको अपन इससे ही मारते हैं। चल बेटा ओके काफी लो कर दिया विक्सी अच्छा अटैक कर रही है। कहाँ बेटा कहाँ अभी ना मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा के कितना परसेंट है चांस एक बार फेंक के देख ही लेते हैं। अरे यार उसने मेरी शील्ड उड़ा दी। ओके विक्सी स्टॉप नहीं होएगा इतनी जल्दी तो नहीं होएगा। चल बेटा विक्सी को बचाया मैंने सही टाइम पे। चल भाई अभी इसको ट्राई करते। अरे भाई चल मार तू भी थोड़ा बहुत इसको। अरे वापस 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 ओके होना चाहिए इसमें नहीं होएगा तो अपन एक बार भाई पड़ी मेरे को इसमें होना चाहिए इसमें 21% चांस है। हो जा प्लीज हो जा प्लीज हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा ऑलमोस्ट पकड़ लिया ऑलमोस्ट हो गया। ओ भाई लेट्स गो गाइस ये बॉस फर्स्ट किल लिख के क्यों आ रहा है भाई हमारा दूसरा बॉस है ये भाई साहब गाइस 14 लेवल हो गया हमारा इसको मारते यार। और मेरी हेल्थ बहुत कम गई है इस बार मैंने बहुत अच्छे से अटैक किया एकदम स्ट्रेटजी के साथ इसके साथ फाइट करी हमने। चलो भाई बहुत अच्छा लड़े चिले और अपना टॉम्बैट इसने दोनों ने बहुत अच्छे से मारा बाकी उतना थोड़ा बहुत डैमेज दे रहे थे सब बाकी उतना मैंने देखा भी नहीं ध्यान भी नहीं दिया कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा ये कर रहा था उस पर। मेरे को ना मेरे ख्याल से हेल्थ बढ़ा लेनी चाहिए और स्टेमिना मेरे ख्याल से स्टेमिना बढ़ाते हैं सबसे पहले स्टेमिना काम आता है क्योंकि जब अपने को डॉज वॉज करना है तो उस टाइम पर स्टेमिना ही सबसे ज़्यादा काम आता है अपने। अभी चलते हैं यहाँ से ये बॉस हमने पकड़ लिया इसको लेते हैं अपने साथ हमारी टीम में जब ये वाला पैंकिंग रहेगा तो भाई क्या ही मजा आ जाएगा। चलो अभी अपने को जाना है एक मिनट मेरे को ना ये मार्क हटाना है पहले तो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर ही एक टावर है इस टावर को ना रेलम ऑफ फ्रोजन विंग इसको जाकर मैं पहले अनलॉक कर लेता हूँ सामने ही है ओके वो रहा नीचे। चलो इस टावर को अनलॉक कर लेते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं गाइज जो मेन अपना एरिया का जो है ना सिंडिकेट टावर वाला बॉस उसके साथ लड़ते हैं पता नहीं वो कितने लेवल का है। चलो अनलॉक हो गया यहां से सीधा पहुंच जाते हैं हम लोग अपने घर पे। ये रहा अपना घर। ऑल राइट भाई चलो पहले तो सबसे पहला काम करते हैं अपने में सबसे कमजोर कौन सा है। ओके विक्सी ही सबसे कमजोर है तो विक्सी की जगह हम लोग लेते हैं भाई इसको। ओ भाई डैमेज देखो इसका 225 का डैमेज है यार ये बंदा खतरनाक है भाई ये बंदा अपना
पूरा काम बना देगा भाई। चलो यहाँ पर वैसे ये बनी हुई है, मैं ना एक काम करता हूँ, इधर से इनको भी इधर डालता हूँ, ये यहाँ से इसको और बनाने के लिए डाल देते हैं। तो अभी इनका खाना वाना ख़त्म नहीं होएगा, और मेरे पास ये है ना आधी, ये और इधर डाल देता हूँ। चलो अपने पास 34 काफ़ी है। और इन्होंने तीर वीर बना के रखे कि नहीं भाई, तीर का बना के क्यों नहीं रख रहे भाई, किसी ने भी तीर का काम नहीं किया अभी तक। तो मैंने थोड़े से तीर कैंसिल करके ना अपना फायर बो को रिपेयर कर लिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है अपने को। अब चलते हैं भाई सीधा, लेट्स गो, पहुँचते हैं सीधा, अपन फास्ट ट्रैवल करते हैं। और ज़रा ये सिंडिकेटर वाले बंदे से जाकर लड़के आते हैं, क्या सीन है इसका, थोड़ा समझ ही लेते हैं। वैसे भी हमारे साथ पेनकिंग है भाई, अब कहाँ तुम हमारे साथ पंगा लोगे। पिछली बार मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे एंटर करने का मौका दिया था इन्होंने, मतलब एंटर कर सकता था मैं। तो देखते अभी भी शायद अपने पास वो, ये 10 मिनट आ रहा है यार, टाइम लिमिट 10 है, ये मुझे क्यों आ रहा है पता नहीं। चलो सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ, खुद अपने पैल्स को खिलाता हूँ। चलो पैनकिंग ने थोड़ा सा काम किया था, और वो वगैरह मैंने सेट कर रखे हैं। लेट्स गो, कन्फर्म, लेट्स गो, बॉस फाइट शुरू होने वाली है गाइस। ओके, कुछ तो सिनेमैटिक आ रहा है भाई, ठीक है। कौन से पैल के साथ फाइट होनी है यार, कुछ पता तो चले। ओ भाई ये कोई लड़की चल के आ रही है, ये तो भाई नहीं, एक मिनट, इसके साथ फाइट हुई हमारी। ओके ये कोई एक, अरे भाई क्या कर रही है। ऑल राइट, पिकाचू के साथ फाइट होने वाली है क्या, एक मिनट भाई, ये तो करंट वगैरह लगाने वाला है फिर भाई, सोई एंड ग्रीस वोल्ट के साथ भाई, लेट्स गो। अरे भाई जा पिंग, पिकाचू जा, अरे भाई तो करंट वरेंट मार रहा है इसे, मेरी भैंस की, मार मार भाई, इसका तो पावर ही बहुत ज्यादा है, एचपी बहुत ज्यादा है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या काम से। ओके अपने को कवर में रहना पड़ेगा, और इसने तो भाई इसकी बैंड बजा भी दी। ओके भाई 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 बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा है, जा भाई तू जा। ओके ओह भाई कुछ तो ये फायर वायर कर रहा है, नाइस 98 का हमला दे रहा है, नाइस नाइस, मेरे को कवर में रहना है, बस इस चीज का मुझे ध्यान रखना है। ओके भाई 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 वापिस आ जा तू, चिले को भेजते हैं, शायद चिले कुछ करेगा इसका। अरे मेरे पे आ रहा ही तो, ओ भाई मार इसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, अभी तक तो इसकी 30,000 की एचपी है। ओके वाह, अरे नहीं भाई ये क्या ही हमला कर रहा है मेरे पे। ओके चिले नाइस नाइस नाइस, ये उतना इफेक्टिव है नहीं ऐसे इस पे। अरे ये मेरे पीछे भाग के आ रहा है, आजा 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 आजा, तेरे इधर ही चक्कर कटवाऊंगा मैं। मार चिले, मार साले को, मार 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 मार, बहुत बढ़िया, मार मार मारता रहा मारता रहा मारता रहा, वापिस बुलाते हैं इसको, जब ये पावरफुल अटैक करेगा ना अपने को अपना पाल वापिस बुलाना पड़ेगा। अरे बाप रे क्या ही हमले कर रहा है ये, नाइस 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 नाइस, रोक के रख इसको, रोक के रख इसकी भैंस की। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वापिस आ जा वापिस आ जा। अरे नहीं ये तो मेरे पे हमला कर दिया भाई, मुझे बस इससे बच के रहना पड़ेगा, मेरी भैंस की भाई, ठीक है नाइस, चल तेरी भैंस की, चल तेरी भैंस की, मार 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 मारता रहा मारता रहा। ओके करंट वरंट लगा रहा है मुझे, बट अपन इसको अच्छा डैमेज दे रहे हैं। वैसे अपने को ना यार वैनम वाला लाना चाहिए था, मार रहा है अच्छा अच्छा मार रहा है, और कौन सा अपने पास पावरफुल, नाइट विंग को बुलाएं क्या, वापस बुलाते हैं इसको, नाइट विंग जा जा, नाइट विंग दे हमला दे, अच्छा वाला डैमेज दे इसको, 24,000 ही यार वैसे। ओके ये भाई लेजर सेट कर देता है, इधर जा। ओ भाई मेरे पास एरो भी बहुत कम बचे हैं, चल तेरी भैंस की, लिख के वैसे ऐसा आया नहीं है। भाई 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 तेरी भैंस की। ओके नाइस, ये डैमेज अच्छा देता भाई, 300-400 का डैमेज देता है एक ही बार में, और 10 मिनट के अंदर अंदर मारना पड़ेगा अपने को, ये भी एक चैलेंज हमारे लिए। अरे यार मार 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 मार, नहीं भाई 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 ये, अरे भाप रे मेरी शील्ड उड़ा दी इसने। ओ शिट 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 शिट, ये मैं इसके सामने कैसे आ गया यार, ये उतना तगड़ा हमला कर नहीं रहा, एक बार इसको बुलाते हैं जा। अरे बाप रे, ओके ये भी उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा,
आधा टाइम हो चुका है और मैं अभी तक इसको भाई छुपना पड़ेगा और अंधेरा बहुत है भाई इधर। बच गया मैं, बचा तो कहाँ का ही। फायर बो मार के देखते हैं जरा, चल तेरी भैंस की। ओके लड़की को मारते हैं तो ज्यादा डैमेज पड़ता है। भाई ये मेरे पीछे आया फिर से, मार 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 मार, अच्छा डैमेज दे इसको। एक ग्रीस बोल्ट, मेरे को लग रहा है यार चिले को बुलाना पड़ेगा। चल चिले, और नहीं भाई 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 ये पिलर से मैं बहुत अच्छा बच जाता हूँ। ओके और एक करंट लगा दिया मुझे भाई। नहीं 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 नहीं, मैं फंस गया। ओके बच गया मैं। ओके चले अच्छा डैमेज दे रहा है। चल तेरी भैंस की। और अब मेरे पे लेजर सेट कर दी इसने। बच गया पिलर का सही इस्तेमाल ले लिया मैंने। अल तेरी भैंस की। ओके मेरे को खाना खाना चाहिए फटाफट, खुद भी और इसको भी खिलाता हूँ। आ गया भाई, आ गया भाई 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 भाई। चल तेरी भैंस की, आ जा बेटा, आ जा। 5 मिनट बचे हैं। अरे नहीं भाई करंट लगा दिया मुझे। चल ओके अब इसको थोड़ा आराम देते हैं और इसको भेजते हैं। ओके अरे भाई डबल ट्रिपल अटैक कर रहा है भाई भाई भाई, भाई, भाई। मार यार, आ कर रहा है, मार ना इसको भाई ढंग से मार, थोड़ा अच्छा डैमेज दे यार। टैंकिंग भाई क्या कर रहा है, मेरे पास 10 ही मिनट का टाइम है। अरे नहीं भाई लगा दिया करंट मुझे, ये उतना अच्छा पैंकिंग नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, पैंकिंग का उतना अच्छा डैमेज नहीं लग रहा मेरे को। यार तू जा, यही देगा शायद इसको अच्छा डैमेज। ओके नाइस भाई थोड़ा, अरे कहाँ उछल कूद कर रहा है, वापिस बुलाना पड़ता भाई इसको सही टाइम पे, नहीं बुलाएंगे तो। अरे यार चल बेटा, यार बहुत आधी एचपी तो कर दी मैंने इसकी डाउन, मैं गया काम से। बच गया मैं, चल बेटा। ओके अरे यार थोड़ा मुश्किल होने वाला है भाई, ये क्या मारा इसने। ओके भाई 100 का डैमेज दिया, ऐसे डैमेज देऊंगा ना अगर मैं तब इसको मार सकता हूँ। चल तेरी भैंस की, चल चिले को बुलाया मैंने बहुत सही टाइम पे। तेरी भैंस की, जितना पास से मारूंगा उतना ज्यादा डैमेज दे रहा है इसको भाई। चल ओके काफी डैमेज तो दे दिया, आ जा। अरे तीर खत्म हो गए, चले कहां पर है यार तू, और मेरे को गिर लिया इसने। एक बार जरा इससे मारने का ट्राई करें क्या इसको। अरे नहीं 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 भाई ये तो वेस्ट है। थ्री शॉट ही मारना पड़ेगा। ओके बहुत ही बढ़िया, मार 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 ग्रिस बोल्ट, इसको तो मारना ही पड़ेगा। तेरी भैंस की ताले शबरी गई के भाई, इसको मैं तोड़ नहीं सकता क्या इसकी पावर को। अरे नहीं करंट लगा दिया बहुत खतरनाक भाई, मत मेरे को ये शायद इसका दूसरी बार खतरनाक पड़ा। ये सोचो अगर हमारी टीम में आ गया तो भाई ये क्या आतंक मचाएगा। चले यार मार ना भाई, अपने पास और पावरफुल है नहीं क्या कोई, यार नहीं है भाई। ओके फोड़ दिया। ओके ये तीर से फूट जाता है। चल बेटा भाई यार थोड़ी सी टाइम की कमी पड़ गई,
बहुत कम एचपी बची है, 10,000 बची है, हमने 1/3 मार दिया उसको। चल बेटा ओके, इन्हें भी बहुत अच्छा मार रहा है, बट कोई ऐसा नहीं है हमारे पास जो बहुत तगड़ा मारे इसको यार, डैमेज बहुत कम कम दे रहे हैं लोग। ओके ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अरे यार ये कितना हमला करेगा मेरे पे। चल बेटा यार, एक मिनट का टाइम बचा है गाइस, 9000 एचपी है, क्या करें, काम करते हैं। अरे बहुत ही कम चांस है यार, बहुत कम चांस है भाई, अभी मार मार चले, मार यार मार मार भाई, नहीं हो पाएगा वैसे मेरे ख्याल से, नहीं हो पाएगा। अरे बाप रे, ओके ओके, अरे यार शील्ड उड़ा दी मेरी, ये तीसरा अटैक, तीन अटैक वाला तो बहुत ही खतरनाक रहता है। अरे गया गया गया, काम करते हैं एक ट्राई मार ही देते हैं, नहीं होएगा। ओके अरे बॉल, बॉल का कोई असर ही नहीं हो रहा, 11 सेकंड बचे हैं लास्ट, और बहुत कम डैमेज है यार, ये नहीं है इसकी भाग, इसको कैसे लग गई, आया मेरे पे, आया मेरे पे चढ़ के भाई, मैं मर नहीं जाऊंगा ना अगर टाइम ओवर, अगर टाइम आउट हो गया। अरे यार टीम पहले, व्हाट मैं मर गया अगर, मतलब मैं इसको, अरे यार ये तो अलग चीज है भाई, फिर अगर मैं इसको इतने टाइम में नहीं मार पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मतलब मुझे लगा था मुझे बाहर फेंक देंगे वैसे ही, अब मुझे संभाल लेने वापस आना पड़ेगा, मतलब यार ये तो दिक्कत है। उफ, पैर टीम इज हंग्री, अरे और मुझे ठंड भी लग रही है भाई, मैं पहले जाकर अपना सामान उठा लूँ क्या, रुको जरा मैं जाकर ना अपना पहले सामान उठा लेता हूँ, वहाँ पर ही मुझे पूरा सामान, आई मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा, अरे यार ट्रैवल फास्ट, उधर तो मेरे को और ठंड लगेगी भाई, फटाफट से पहले ना सामान उठाना पड़ेगा, और टीम हंग्री और मेरी हेल्थ लगातार गिरे जा रही है, मेरे को वहाँ से टॉर्च उठानी है अपने सामान में से। ओके नाइस, मेरा सामान बाहर फेंक दिया इन्होंने उठा के पूरा, चल भाई काम कर पूरा सामान ट्रांसफर मार, हो जा ओके ठीक है, चलो मुझे सारे पैल्स को खाना खिलाना पड़ेगा। ए ए कौन हंग्री है, चिले हंग्री है, बट भाई हमने अच्छी लड़ाई तो लड़ी भाई, मारा तो हमने अच्छा, जो भी कहो बस थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया, अगर हमारे पास दो तीन मिनट और होते ना शायद हम मार देते उसको, क्योंकि बहुत 7,000 के आसपास ही तो बची थी यार एचपी उसकी, 30,000 की एचपी थी, और उसको पकड़ भी लेते हम लोग, हमारे पास दो बॉल थी, बट एक चीज़ का ध्यान अपन को रखना पड़ेगा, मेगा स्फीयर अपने को अगली बार लेकर जाने पड़ेंगे तभी हम उसको कैच कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे भाई। कोई दिक्कत नहीं, हमने फाइट अच्छी करी भाई, ये बात का तो मुझे गर्व है, बाकी आप लोग बता दो मैंने कैसा फाइट करा, मतलब पकड़ सकता था कि नहीं पकड़ सकता, एक अच्छा और पावरफुल होता, मुझे आप लोग ये भी बता दो यार कौन सा पैल है जो इसके अगेंस्ट अच्छा हमला करता है, तो मैं फिर उस पैल को लेकर जाऊंगा, है ना, उस पैल को हम लोग पहले पकड़ेंगे और फिर हम उसको लेकर जाएंगे। वैसे हमारे पास दो बॉस पैल थे यार, क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मेमोरिस्ट को पकड़ के शायद लेकर जाना पड़ सकता है अपने को, अपने को एक ये वाला पैल, इस बार इस साइड का एरिया हमने एक्सप्लोर नहीं किया, इधर का एरिया हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं, अरे यार ये मैं कहां गया, ऊपर मेरे को अपने बेस पे जाना, मैं पजल हो जाता हूं, मैं जाना बेस पे होता और इधर पहुंच जाता ऊपर। चलो तो ये लोग खाना वाना खा रहे हैं, वैसे पैल हमारा कोई मरा नहीं, मैंने सारे पैल्स को जिंदा रखा, तो आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं गाइस। आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा है जो ग्रिज़बोल्ड के अगेंस्ट अच्छा फाइट देगा, है ना, अच्छा डैमेज देगा उसको, तो फिर मैं अगले एपिसोड में उसके लेकर जाऊंगा और फिर हम ग्रिज़बोल्ड के साथ फाइट करेंगे और ये सिंडिकेट वाला जो है इसको हम लोग फतेह करेंगे। तो बाकी एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बता देना यार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप चलाते हो तो, ये रहा इंस्टा का नाम और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा insta_JDGaming। मिलता हूँ गाइज आप लोगों से अगली वीडियो में पैलवर्ड के एक और मजेदार से एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।